आप गांव में पंचायत करवाते हैं, तो मान लीजिए यादव जी और कुर्मी जी के बीच झगड़ा हो जाए और उसमें पंच चुनने की बारी आती है, तो क्या आप मिश्रा जी, तिवारी जी, पांडे जी को पंच चुन देंगे तो यादव जी और तिवारी जी को न्याय मिल जाएगा क्या? जरा सोच कर देखिएगा। तो भारत की न्याय व्यवस्था आज वैसे ही बनी हुई है, इसलिए हमको आपको न्याय नहीं मिलता। मध्य प्रदेश की सरकार ने आरक्षण दिया, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, बिहार सरकार ने आरक्षण बढ़ाया 65% किया, स्टे लगा दिया, ईडब्ल्यूएस में स्टे नहीं लगता। आरक्षण पे बात की और हम सब जानते हैं कि आरक्षण बहुत दिन से लागू है भारत में, ऐसी कोई नई चीज नहीं है, लेकिन क्या आरक्षण लागू होने के बावजूद देश में जो गैर बराबरी थी वो खत्म हो गई? ये सवाल अब हम लोग नए सिरे से पूछ रहे हैं कि क्या केवल नौकरियों में आरक्षण मिल जाने से हमारा जो गैर बराबरी है पूरे देश के अंदर वो खत्म हो पाएगा? उत्तर है नहीं। हम सब जानते हैं केंद्र सरकार में कुल 35 लाख कर्मचारी काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी, और पूरे राज्य के अंदर 1,32,00,000 कर्मचारी काम करते हैं। और एक आंकड़ा है जो यूनाइटेड नेशंस ने जारी किया है और ये 2022 का आंकड़ा है, उस 2022 के आंकड़े से जो बातें निकल कर आती है वो ये है कि पूरे देश के अंदर भारत में जो सरकारी ठेके जाते हैं वो लगभग 20-22% होता है भारत के सकल घरेलू उत्पाद का, जीडीपी का। और 2022-23 का जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद था वो 340 लाख करोड़ रुपए का था। अगर 340 लाख करोड़ का 22% निकालोगे तो वो लगभग बनता है 68 लाख करोड़ रुपया। और अगर केवल सरकारी नौकरियों की बात करोगे तो जो मैंने बताया 1,32,00,000 राज्य सरकारों के कर्मचारी और 35 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी, इन दोनों को जो सैलरी जाती है वो कुल जीडीपी का जो सकल घरेलू उत्पाद में कह रहा हूं 340 लाख करोड़ का, उसका केवल 5% जाता है। तो वो 5% कितना बना? 17 लाख करोड़ रुपया। और उस 17 लाख करोड़ रुपये में हमारे घरों में जा रहा है 50%, इसका मतलब केवल 8 लाख करोड़ रुपया हमारे घरों में जा रहा है। और मैं बात कर रहा हूं 340 लाख करोड़ में से 68 लाख करोड़ रुपए की, जिसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। इस देश की 85% आबादी का इसका कोई हिस्सा नहीं जाता, मोटे तौर पर आप पॉइंट में गिन सकते हो 0.001% जाता है। और मैंने ऐसी नहीं कह रहा हूं, मेरे पास उसके आंकड़े, भारत सरकार ने 2006 में एक कानून बनाया था और वो कानून ये था कि जो देश में जितने सरकारी ठेके जाते हैं उसका कम से कम 20% हिस्सा भारत की जो लघु इकाइयां हैं, एमएसएमईज है, उसको मिलना चाहिए। कानून बनाता एक तरह का आरक्षण किया गया था एमएसएमईज के लिए कि जो सरकार की तरफ से ठेके दिए जाएंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से, उसका 20% ये लघु उद्योगों को जाना चाहिए, एमएसएमईज को जाना चाहिए। और ये जो 2006 का कानून था इसका नोटिफिकेशन हुआ 2012 में जाकर। आप सरकारों की मंशा समझ सकते हो कि 2006 में सरकार ने कानून बनाया कि भाई एमएसएमईज के 20% रहेगा और उसमें एक नियम बनाया गया। आपको और हमको ये कहा जाता है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, मैं आपको बताने आया हूँ सरकारी ठेके में आरक्षण का प्रावधान भारत सरकार के कानून में है। और उसी एमएसएमईज में यह कहा गया था कि 20% जो आरक्षित किया जा रहा है एमएसएमईज के लिए, उसमें 4% उन कंपनियों को दिया जाएगा जिनके मालिक एससी एसटी है। और आप जानते हैं 2012 में जब यह लागू हुआ, एक कहीं पर भी इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, 2006 से चल रहा था कानून, 2012 में जाकर इसको लागू किया गया। जब इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ, कागज पर लागू हो रहा था, तब जाकर 2015-16 में, मैं चूंकि समय कम है मैं वो छोटे में बताना चाह रहा हूं, 2015-16 में सरकार ने एक अनुमान लगाया कि भाई जब हमने ये कहा कि 20% मतलब अगर 68 लाख करोड़ रुपए का 20% भी आप निकालोगे उसका कम से कम 4%, तो कितना मिल रहा था 2015-16 में जब आंकड़ा निकाला गया, तो एससी एसटी ओन्ड
जो कंपनियां थी SC ST जिसके मालिक थे जिन कंपनियों को, उसको मात्र 99 करोड़ रुपए का ठेका मिला था 2015-16 में। कितने में? जिसको हम 68 लाख कह रहे हैं उस समय भी कम से कम 40 लाख करोड़ होगा 2015-16 में। तो 40 लाख करोड़ में हमारे घरों में कितना जा रहा था? 99 करोड़ ओनली। कितना निकलेगा? 0.0001% है ये, 0.0014%। फिर सरकार ने जब 2015-16 में जब देखा ये चौंकाने वाला आंकड़ा, तो सरकार ने क्या किया, SC ST हब का गठन किया गया। और उस SC ST हब ने जब थोड़ा प्रयास किया, कई जगह पर SC ST कंपनियों को बुलाया गया, उनको प्रोत्साहित करने की कोशिशें की गई, तो 2022 आज के दिन 2022 देश में हम पता है कहां तक पहुंचे। आज अगर 68 लाख करोड़ है तो मान लीजिए, अगर हम इन्हीं के हिसाब से मान लें 85% हमारी आबादी है 50% OBC की, तो उस 68 लाख करोड़ में कम से कम 34 लाख करोड़ रुपया OBC परिवारों को जाना चाहिए तक नहीं जाना चाहिए। और SC ST की 22% है, आप वो भी निकाल कर देखो, वो भी लगभग 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास बनता है। तो जो 34 लाख + 13 लाख करोड़ रुपया जाना चाहिए था हमारे पास, चूंकि सरकार ने जो अभी रिजर्वेशन दिया हुआ है वो केवल SC ST के लिए है, तो उसके भी आंकड़े अगर है तो वो भी अगर 13 लाख करोड़ रुपया है, और आज के दिन वो आंकड़ा पता है कितना है? मात्र 1400 करोड़ रुपया हमारे घरों को जाता है। कितना हजार गुना उसको आप करोगे तब जाकर वो पूरा। और हमारी दिक्कत क्या है कि अभी तो हम सरकारी नौकरियों में आरक्षण मांगने की शुरुआत हमारी ढंग से हुई थी, और सरकारों ने क्या करना शुरू कर दिया, प्राइवेटाइजेशन का एक बड़ा दौर आया, सारी चीजें BSNL MTNL एयर इंडिया बेचने की शुरुआत है। तो जब ये बेचा जा रहा है तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण मांगकर हम क्या करेंगे? क्या हम लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार कहने का मतलब ये EWS नहीं है, हम कह रहे हैं सरकारी ठेके में आरक्षण, निजी क्षेत्र में आरक्षण की डिमांड करनी चाहिए। और जो लोग ये कहने के लिए आए कि भाई ये कोई कानून नहीं है, उनसे ये कहना चाहिए कि जब तुमने MSMEs में ये कानून बनाया कि 4% SC ST को मिलेगा, तो वो क्या निजी क्षेत्र नहीं है? तो जब वहां पर दिया है तो अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियों में हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए? और आपको बताऊं, उसमें 3% महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, 4% SC ST ओन कंपनी और 3% महिला जिसके मालिक हो वो कंपनियों के लिए करने की बात। तो अगर ये आरक्षण लागू हो, आप जरा सोच कर देखिए, 68 लाख करोड़ रुपया में से अगर 85% मतलब 34 लाख करोड़ + 13 लाख करोड़ लगभग 47 लाख करोड़ रुपया अगर दलित SC ST OBC परिवारों में जाता तो हमारी आज क्या हालत होती? और ये सवाल हम सबको पूछना चाहिए कि भाई आरक्षण तो लागू हो गया, उसके बावजूद भी हम लड़ क्यों रहे, हम मांगने वाले क्यों बने हुए हैं? हमारी आबादी 85% है, डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो डेमोक्रेसी में हमको मांगने वाला क्यों होना चाहिए था? 85% वाला राजा होना चाहिए था ना, 85% वाले को देने वाला होना चाहिए था। तो खेल क्या होता? अभी एक साथी मलिक साहब थे यहाँ, कहकर गए साथियों हम सारी लड़ाई जब एक जगह जाकर हारते हैं, वो भारत की न्याय व्यवस्था। हम हर जगह पर आप पॉलिटिकल प्रेशर बना लेते हो, आपके नेता जीत कर आते हैं, आपकी आबादी है, आपकी संख्या है, आप जीत कर भिजवा देते हो पार्लियामेंट में, आप ही आपकी आवाज उठ जाती है। लेकिन जब पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो इस देश में बैठा हुई न्याय व्यवस्था, ये मनुवादी न्याय व्यवस्था जो है वो उसके ऊपर स्टे लगाती है। और मैं हवा में नहीं कहता ये बात, 1991 में जब OBC का आरक्षण लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। आप सोचिए, वो भारत सरकार के, भारत के संविधान के तहत बनाया गया आरक्षण था, जो 54 में लागू हो जाना चाहिए था, उसको 1991 में जब लागू किया गया तब तो स्टे कर दिया आपने। और जरा इनसे पूछिए, ये जो सवर्ण आरक्षण, आप में से बहुत सारे साथी EWS आरक्षण कहते हैं, दोस्तों एक बात क्लियर करिए, कम से कम हम सबको ये बात कहनी चाहिए कि ये कोई EWS आरक्षण नहीं है जी, ये सवर्ण आरक्षण है। अगर सवर्ण आरक्षण नहीं है तो आर्थिक आधार पर क्या SC ST OBC के बच्चे उसमें क्वालिफाई हो सकते हैं क्या? केवल सवर्णों के लिए है ना वो 10%। तो वो जो सवर्ण आरक्षण लागू करने की बारी आई तो एक दिन में लोकसभा, राज्यसभा, अगले दिन राष्ट्रपति का साइन, और भारत के किसी न्यायालय ने नहीं, ना किसी हाईकोर्ट ने, ना किसी सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे लगाया बॉस। और सवाल यह है कि जो जिस तरह के आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब ने करी ही नहीं थी,
उस पे तो स्टे लगाने में इनको परेशानी है। किसी ने लगाया क्या? किसी कोर्ट में आरक्षण में उस आरक्षण के ऊपर लगा। और फाइनली एक चीज और हमें समझना चाहिए, जो 10% आरक्षण वो लगाया गया, अगर वो अनडिजर्व पोजीशंस थे तो क्या उसमें हमारे लिए हिस्से नहीं थे? क्या हम उसमें नहीं जा सकते थे? एससी एसटी ओबीसी अनडिजर्व में तो जाते हैं, तो हमारा हिस्सा भी तो मारा गया वहां पर, लेकिन हमने उसमें सोचा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, हम सबको अलर्ट होकर भारत की न्याय व्यवस्था पे सवाल उठाते रहना पड़ेगा। और अंतिम बात कह रहा हूं, एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। तो ये भी हमें समझने की जरूरत है कि आप उस देश में रह रहे हैं जहां पर न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं है, न्याय न्याय के बैठे हुए अधिकारी न्याय नहीं कर रहे, तो आपके और हमारे संघर्ष कितने कठिन है। आप सबने ध्यान से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है, लेकिन आजादी के 75 साल हो गए हैं, फिर भी बराबरी तो छोड़िए और हम पीछे की ओर जा रहे हैं। बाबा साहब ने ये कहा था कि हम इस एक स्थान पे छोड़ के जा रहे हैं तुमको बहुसंख्यक समाज के लोग, कम से कम इसे पीछे मत जाने। लेकिन स्थिति अभी ऐसी हो गई है कि बहुत सारी चीजों में, शिक्षा में भी, अभी प्रोफेसर रतन लाल जी बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि पहले कम से कम वजीफा मिल जाता था, हमारे लोग पढ़ाई कर लेते थे, आगे आने को उनको मौका मिलता था, लेकिन अब हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है, अब हमारे पास प्रॉपर्टी भी बहुत हो गया है, बावजूद इसके प्राइवेटाइजेशन हो गया है। देखते शिक्षा कितनी महंगी हो गई है, अस्पताल में जाइए आपको इलाज भी सब उन्हीं लोगों के हॉस्पिटल की है। मतलब हमें एएनकेएल हर जगह संघर्ष अभी भी करना पड़ रहा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमारे जो यूट्यूबर भाई बंधु है वो लोग चला करके हमारे देश के कोनों कोने में जो फैले हुए हमारे बहुसंख्यक आबादी है उन तक आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो मेन मीडिया स्ट्रीम है आपको एक लाइन भी कहीं नहीं छपेगा और कहीं भी आपको ये नहीं दिखाएंगे ये बहुसंख्यक। जबकि बाबा साहब ने, जब मीडिया एक चौथा स्तंभ है, जब उन्होंने कानून लिखा था तो उनके लिए एक रिबेट डाली थी उन्होंने कानून में ही, यहाँ तक कि उन्हें कागज वगैरह बहुत रिबेट पे मिलते हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस आपने देखे होंगे, वो भी उनको बहुत सारे उनको फैसिलिटीज मिलती है, लेकिन हमारे बहुसंख्यक समाज के मीडिया भाइयों को कोई भी सुविधा नहीं मिलती है, फिर भी वो एनकेएल प्रकार हमारे समाज की आवाज को उठाते हैं। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत सारे जो हमारे मुद्दे हैं हम सब पे बात करने का वक्त नहीं है, लेकिन जो अभी आरक्षण की बात हो रही थी कि 49.5% जो हमारी आरक्षण है, 50% का जो कोर्ट का डिसीजन था कि इससे ज्यादा आप आरक्षण को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस का आया तो आनंद फानंद में 72 घंटों में सारे के सारे उन्होंने पास कर दिया, और अभी बिहार सरकार ने जब उनको कोर्ट में भेजा तो उसको उन्होंने नहीं दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से, सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट पे भी वो जो सिस्टम है आपको कॉलेजियम सिस्टम, बाबा साहब ने कहीं भी संविधान में कॉलेजियम सिस्टम जैसा शब्द नहीं डाला था, लेकिन इन्होंने खुद जुडिशियरी नहीं, जुडिशियरी का मतलब एक तरह से बदलाव कर